अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब हरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हाँ जी, तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, वो है निमको की। ऐसे नमकीन सेवैयाँ घर में कैसे बनाई जाती हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। दुकाना तो मिल रही ना निमको वो वालियाँ सेवैयाँ जिस तरह होंगी ना, असी बनावांगे, साढ़े नाल ना रवियो। तो चलो चलने हैं रेसिपी की तरफ। जी बिल्कुल, करारी करारी निमको बनाने के लिए हमने ले लेना है बेसन, ठीक है। 1.5 कप के करीब असी बेसन लवेंगे, उसके बाद जनाब जिहड़े असी मसाले भी ऐड करांगे। तो मसाले तुसी हांडियां वाले ने चुक सट देने, ठीक है। नमक ऐड करांगे, तो उस बाद जिहड़ी अजवाइन असी ऐड करांगे। अजवाइन नाल बहुत ही सोहना, पता है, खुशबू आती है, तो बहुत ही सोहना जायका आता है। तो नाल ही थोड़ी जी असी कलर वास्ते, प्यारा जिहा कलर आवे, असी थोड़ी जी हल्दी सुट देंगे, ठीक है। उस तो बाद जनाब इन्हें अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स, क्योंकि सारे मसाले मसूले सही सोहने हिल जाए ना, सारे सोहने तरह अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो उस तो बाद जनाब जिहड़ा असी विच पानी ऐड करके फिर इन्हों नॉर्मल पानी नाल गुन लवेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बैटर भी नहीं बनाना, तो थोड़े सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं इस तरह ने नॉर्मल जहा गुन लेना, ठीक है। ज़्यादा ढिला नहीं करना, तो ज़्यादा संघना भी नहीं रखना। अच्छा, बिल्कुल ये वेखो ना, इस तरह का असी बैटर बना लवेंगे। तो कोई भी तुसी कोई छापड़ ले लेना या फिर कोई पैकेट जहाँ पिया हो ना, तो इस तरह लैके ना, तो फिर वो गिलास के रख के फिर इस तरह सारा जिहड़ा बैटर इन्हां दे विच डाल लेना, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, सारा बैटर तुसी इस तरह छापर जिहड़ा लेना ना, कोई भी पैक जहा जरा मजबूत हो, ठीक है। इस तरह लैके तो छोटा जहा ना तुसी लगा लेना है कट, ठीक है। तो मैं तो कट लगाया, मेरे को जरा ज्यादा ही वड्डा लग गया। मैं क्या चलो कोई नहीं, गल है रही, सेवियां जरा मोटिया हो जाएगियां। इधर आयल साडा गर्म हो चुके हैं, तो नाल ही मैं सेवियां डाल दीतियां। तो इस तरह गोल गोल घुमाना है, ठीक है जी। बिल्कुल गोल गोल घुमा के, तो बस उपर नीचे ना हो, ना हार रखना है, ठीक है। क्योंकि जो थोड़े को गोल गोल भी ना घूमन तो कोई मसला नहीं, तुम ये बिल्कुल है जिस तरह मैं डाल रही हूँ ना, इस तरह में तुम डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह जरा थोड़िया थोड़िया मोटिया बनगियां, तो मैं फिर एक और पैकेट लैना लैके, तो फिर वह भी छोटा जहा बिल्कुल सुराख लगा के, तो मैं चलो कोई नहीं गल कोई मोटिया हो जाएगियाँ, तो कोई बरीक असी बना लवेंगे। मैं पहला पैच जरा पैच पाया, तो जरा मोटा मोटा बनया। मैं चलो कोई नहीं गल है रही है, यह भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार जायका का बन गया। हाँ, तो नाल ही फिर मैं दूसरा एक और पैकेट लैके उसके विच डालियां, देखो ना थोड़ियां थोड़ियां बरीक बन गई। तो इस तरह छोटा तुसी कट लगा लोगे तो थोड़ियां बरीक बरीक बन जाएगियां, जे तुसी वड्डा लगा लो तो मोटिया सेवियां बन जाएगियां, निमको होंदिया ना। हाँ जी, तो वेखो साडा इस तरह करके जनाब असी सारे थोड़ियां थोड़ियां गेर के, तो इस तरह भी तुसी सट सकदे हो, ठीक है। नहीं है कि बिल्कुल गोल गोल ही तुसी बनाना, ठीक है। इस तरह करके सारियां आँच तुसी बिल्कुल दरम्यानी जी रखनी है, ठीक है। ज़्यादा तेज़ आँच नहीं करनी, तो बस थोड़े 1-2 मिनट के अंदर अंदर बस थोड़ियां सेवियां रेडी हो जाएगी। इस तरह करके मैं सारे पैच जेड़े कर लवेंगी रेडी सारे, फिर जिस तरह सोहना जहा कलर आ जाए ना, फिर तुसी निकाल लोगे। तो यह देखो माशाल्लाह, मैं क्या चलो 1-2 बार तुहानू और दिखा दें। इस तरह करके सारियों बस गोल गोल घुमाए जाओ,
ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲੇਬੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣੀ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਸ ਗਿਰਾਈ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਨਾਬ, ਜੇ ਆਪਕੋ ਵੀਡੀਓ ਹਮਾਰੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਤੀ ਹੈ ਤੋ ਕਮੈਂਟ ਮੇਂ ਆਪ ਬਤਾਇਆ ਕਰੇਂ, ਔਰ ਹਮੇਂ ਯੇ ਵੀ ਬਤਾਇਆ ਕਰੇਂ ਕਿ ਆਪ ਕਹਾਂ ਸੇ ਔਰ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਸੇ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਪੇ ਨਏ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਹੈ ਤੋ ਲਾਇਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇਂ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇਂ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਾ ਕਰੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਯੇ ਆਪਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਯੇ ਦੇਖੀ ਬਾਤੋਂ ਬਾਤੋਂ ਮੈਂ ਹਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਿਮਕੋ ਰੈਡੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਝ ਕੁੜਕੜੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਬੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਵੇਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵੋ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਫਟਾਫਟ ਬਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੈਸਪੀ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 1.5 ਕੱਪ ਬੇਸਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਣ ਸਵਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਨਿੰਮਕੋ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਿੰਮਕੋ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਦਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਮੋਟੀ ਨਿੰਮਕੋ ਸਾਡੀ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਕਿੱਪ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਿਪਸ ਕੱਟ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੈਸਪੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਐਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਿੰਮਕੋ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਦੇਖਿਓ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਬਾਏ ਬਾਏ।